विश्व आदिवासी दिवस आज अलीराजपुर और झाबुआ में अलग अलग जगहों पर उत्साह पूर्वक मनाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री का आना भारी बारिश के चलते स्थगित हो गया, न ही यहाँ पर कोई अन्य मंत्री आ पाए, लेकिन आदिवासियों ने उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया। बात अगर जोबट की करें तो वहां पर जयेश और कलावती भूरिया ने उत्साह के साथ ये पर्व मनाया। वहीं खवासा में भी एक बड़ी रैली निकली। तस्वीरें हैं अलीराजपुर जिले की जोबट की, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस उत्साह के साथ समाज के लोग मना रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों से लेकर जनप्रतिनिधि और आम लोग भी बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हालांकि जोबट में दो कार्यक्रम आयोजित हुए थे, लेकिन बारिश के मौसम के चलते थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। समाजजनों ने एक प्रभावी रैली निकाली और उसके बाद भाषण भी हुए। क्षेत्रीय विधायक कलावती भूरिया इस अवसर पर क्या कह रही हैं, सुनिए। मना रहे हैं, लेकिन हमारे इंद्र देवता ने कहीं न कहीं लोगों से घर से निकलने के लिए तकलीफ दाई है। हम बहुत जोरों शोरों से मना रहे थे, लेकिन बारिश के कारण प्रॉपर का मनाया है। मैं आदिवासी विश्व दिवस पे हमारे सभी समाज को और अन्य समाज को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई देती हूँ। और हमारा क्षेत्र ऊपर आए, आगे बढ़े, अन्य बुराइयाँ वो दूर होती जाए और अच्छाया मिले और सुख और शांति से हमारा क्षेत्र ऊपर उठे, ये मैं कामना करती हूँ। तस्वीरें झाबुआ जिले के खवासा की, जहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। एक विशाल रैली निकली, परंपरागत परिधान पहने और नाचते गाजते स्थानीय आदिवासी युवक इस रैली की शान थे। और ये रैली अपने पूरे स्वभाव पर थी। बारिश भारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। आदिवासी दिवस पर यह उत्साह बारिश के बावजूद देखा गया है, और ये इस बात की वानगी है कि समाज को लेकर अब एकजुटता बढ़ रही है। खवासा से अर्पित चोपड़ा के साथ जोबट से सुनील खेड़े की रिपोर्ट।